जिस तरीके से नीट परीक्षा हुई और जिस तरीके से फरीदाबाद के अंदर एक लड़की ने नौवीं मंजिल से आत्महत्या की, जिस तरीके से दौसा के अंदर आत्महत्या की, नीट जो अभ्यर्थी है वो काफी आहत है। जिस तरीके से एनटीए ने इस बार इन्होंने जो मार्किंग सिस्टम किया उस मार्किंग सिस्टम पर काफी सवाल या निशान है। किस तरीके से 5 मई के दिन जिस दिन ये नीट एंट्रेंस की परीक्षा हुई तब से हम देख रहे हैं कि इनका परिणाम 14 जून को आना था, लेकिन किसी तरह आनंद फानंद में जब देश भर में चुनावी नतीजे आ रखे थे उस 4 जून को ये रिजल्ट जारी करते हैं। किस तरीके से पिछले 5 सालों के अंदर रिजल्ट देखा जाए तो टॉपर की संख्या कहीं 1, कहीं 2 और कहीं 3 होती है, किस तरीके से वो एक साथ 63 विद्यार्थी नीट परीक्षा टॉप कर लेते हैं, जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर माहौल विद्यार्थियों के अगेंस्ट हो रहा है, जिस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं आ रही है, जिस तरीके से इन्होंने मार्किंग सिस्टम किया, काफी बच्चों का ये सवाल है कि 720 नंबर तो चलो मान सकते हैं कि आ सकते हैं, लेकिन 718 और 719 का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मार्क्स एक क्वेश्चन के 4 मिलते हैं, अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो एक नंबर उस प्रश्न का कटता है, तो या फिर तो 720 आ सकते हैं या फिर 715 नंबर आ सकते हैं। किस तरीके से बच्चों के 718 और 719 नंबर दिए, उन्होंने कहा कि 45 मिनट किसी पेपर गलत देने में, किसी गलत तरीके से वो देने में उनको 100-100 नंबर का बोनस अंक मार दिया गया। नीट के अभ्यर्थी काफी भारी विरोध इस चीज का कर रहे हैं, जिस तरीके से वो परेशान है, जिस तरीके से आहत है, उसके लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन आज पूरे देश भर के अंदर नीट अभ्यर्थियों के साथ में खड़ा है और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है। अमरदीप एनएसयूआई, जिस तरीके से आज राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर यह सांकेतिक प्रदर्शन हुआ है, उसी तरीके से जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है उसको लेकर के साथ में पूरे देश के जो प्रधानमंत्री थे जिनके समय पर यह एग्जाम हुई उनका काफी विरोध करेंगे और जल्द से जल्द एनएसयूआई भारी संख्या में विरोध करते हुए सड़क पर उतरेगी और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता नीट अभ्यर्थियों के साथ में, उनके न्याय के साथ में। एनएसयूआई छात्र संगठन ने आज विश्वविद्यालय के राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर यह प्रदर्शन किया है, जो नीट के पेपर में जो ये धांधली हुई है, लाखों छात्रों के साथ ये गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए एक सेंटर पर 8 छात्रों का एक साथ ये जो सिलेक्शन हुआ है, 720 में से 720 नंबर, ये भारत के नीट के इतिहास में सबसे एक पहली बार हुआ है कि 67 बच्चों का सिलेक्शन एक साथ हुआ है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें पूरी आशंका जताई जा रही है कि पेपर लीक हुए हैं, और आप देखिए कि नीट का जो रिजल्ट है वो 10 दिन पहले आ गया है, कहाँ तो 14 जून को आना था। कभी ऐसा इतिहास में हुआ है कि कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट 10 दिन 15 दिन पहले आ रहा है? हो सकता है वो 2-3 दिन लेट हो जाए, लेकिन जिस दिन भारत के जो लोकसभा चुनाव का नतीजा आ रहा था उसी दिन इन्होंने ये रिजल्ट जारी किया है, ताकि इनकी जो धांधली है, इनके जो ये गलत काम है, ये दब सके और लाखों छात्रों के साथ जो गड़बड़ी हुई है उसको दबाया जा सके। एनएसयूआई छात्र संगठन नीट के छात्रों के साथ पूरे भारत में मजबूती से खड़ा है और हम इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। भारत सरकार से, बीजेपी से ये मांग है कि ये नीट परीक्षा रद्द की जाए। का प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन उस बात को लेकर के जो नीट के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं जो कुटाराघात किया गया और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके साथ में कुटाराघात किया। आए दिन आप देख रहे हो कि सुसाइड की घटनाएं राजस्थान के अंदर और अन्य राज्यों के अंदर बढ़ती जा रही है, वो इसलिए बढ़ती जा रही है कि पेपर आउट करवा देते हैं और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ में अन्याय किया जा रहा है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। और राजस्थान में विशेषकर एक चीज़ और कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी चल रहे हैं, इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों ने एक धंधा बना रखा है, इन्होंने उनको बच्चे की जो बच्चे का मानसिक तनाव है उसको और बढ़ाने का काम ये कोचिंग इंस्टीट्यूट कर रहे हैं और फीस 1 रुपये एक कम नहीं करते। तो मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूटों के लिए कानून बनना चाहिए और एक क्राइटेरिया फीस के लिए फिक्स होना चाहिए कि इसके ऊपर कोई फीस नहीं ली जाएगी, गरीब परिवार किसान परिवार के जो बच्चे आते हैं इन बच्चों के से कोई फीस लूट नहीं जाए। कोचिंग संस्थानों ने जो धंधा यहां बना राजस्थान के अंदर बना रखा है, हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द इस कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एक्शन ले और कोचिंग संस्थानों ने जो लूट मचा रखी शिक्षा के नाम पर, जो धंधा जो बिजनेस कर रखा है उस पर रोक लगाई जाए और उन गरीब किसान परिवार के बच्चों के साथ में न्याय किया जाए और अपनी काबिलियत के दम पर, मेहनत के दम पर अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं। देखिए सर, आज का जो ये प्रदर्शन था ये नीट अभ्यर्थियों के लिए था। आए दिन हम देख रहे हैं कि कोटा जैसे शिक्षण संस्थानों में और भारत के अन्य शिक्षण संस्थानों में जिस प्रकार से आए दिन जो हमारे छात्र हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण जो है सरकार का निकम्मापन है। सरकार आए दिन, आप ये देखिए कि आए दिन जो पेपर आउट हो रहे हैं उनसे आम परिवार बहुत हतोत्साहित है। लोगों के पास में, अपने माँ बाप के पास में जो पैसा नहीं होता, कैसे अपना पेट काट करके वो बच्चों को बड़े बड़े शहरों में भेजते हैं, उसके बाद में जब वो सेंटर पे पहुंचते हैं, सेंटर पे पहुंचते ही जो है पेपर आउट हो जाता है, तो उस पेपर आउट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण इन सरकार का है। सरकार एक जो बात करती है, राजस्थान में हमने जो एक गठन किया है जो पेपर चोरों को पकड़ेगी, कैसा हुआ है,
कुछ जो सक्रिय लोग हैं, कुछ पर्टिकुलर सक्रिय लोग हैं, उनके ऊपर आज भी शिकंजा नहीं कस पाए। ये एक कोचिंग संस्थान की बात नहीं है, ये उन तमाम कोचिंग संस्थान की बात है जिनके पीछे बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। जिन बड़े बड़े नेताओं ने उन कोचिंग संस्थानों पर हाथ रख रखा है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर और लोगों को यहाँ पर भड़काने का काम करते हैं। शिक्षा के नाम पर उन्हें कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। सबसे पहले शिक्षण संस्थानों को राजनीति से बाहर करना चाहिए। जिस तरीके से ये रोड देखी जाती है कि जेलन मार्ग वीवीआईपी रूटों के अंदर आता है और यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार है, हम देखते हैं कि किस तरीके से पिछले 10 दिनों से यहाँ पर सिविल ये जो नाला है वो गड्ढा है वो टूटा हुआ है, किस तरीके से गंदा पानी लगातार पिछले 10 दिनों से बह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने इस मामले को लेकर के नगर निगम और राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन को काफ़ी बार अवगत भी कराया, लेकिन अभी तक इसका कोई पूर्ण रूप से काम चालू नहीं है। इसको बंद करने के लिए कोई उपाय नहीं है। जिस तरीके से विश्वविद्यालय हम देखते हैं कि जिस तरीके से देखो छात्र कितने गंदे पानी के अंदर वो निकल निकल करके आते हैं, जिस तरीके से हम देखते हैं कि इनके छींटे बच्चों पर लगते हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये सारी की सारी प्रशासन की लापरवाही है। इस प्रशासन की लापरवाही को जल्द से जल्द सुधारने के लिए, हाँ हालांकि आज जरूर हमें हरकत दिखाई दी है कि जिस तरीके से वहाँ पर कोई खड्डा ठीक किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जिस तरीके से लगातार आवाज़ उठा रहा है उस पर जरूर नगर निगम और राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन संज्ञान ले रहा है। अमरदीप परियार, NSUI प्रदेश प्रवक्ता।